हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कैसे डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, इसका शॉर्टकट और एक लॉन्ग मेथड भी मैंने आपको बताया था, और ऑक्टल नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना, और डेसिमल से ऑक्टल की कन्वर्जन, और हेक्साडेसिमल में जो बाइनरी नंबर की नोटेशंस हैं वो मैंने आप लोगों को बताई थी। आप में से जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन से ये वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। इन एडिशन, अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, नायब तहसीलदार और पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए टेस्ट सीरीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो आप परीक्षा ऐप से इन टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप मेरा कोड INSPIRE50 यूज कर सकते हैं। आज हम बाइनरी नंबर्स की एडिशंस, टूज कॉम्प्लीमेंट, वन कॉम्प्लीमेंट और इनसे रिलेटेड जो भी MCQs हैं उनकी कोर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट। इसमें से एक या दो क्वेश्चंस विल बी डेफिनेटली पार्ट ऑफ JOA एग्जाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11010? ये बाइनरी रेडिक्स 2 में है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है इसमें से? सो आंसर इज 00101। अब वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली जो भी बाइनरी नंबर्स दिए होंगे उनको आपने स्विच करना है, यानी कि इनवर्स करना है। अगर बिट 1 होगा उसे 0 करना, 0 होगा उसको रिप्लेस करना हमने 1 से। सो बहुत सिंपल है, जैसे रिप्लेस कीजिए आप, 0 है इसका क्या हो जाएगा? 1, ऑलराइट, और 1 का 0, 0 का 1। कॉम्प्लीमेंट मींस इनवर्स, एंड 1 विल बी रिप्लेस्ड बाय 0 एंड अगेन 1, इसका क्या होगा? 0। तो देखिए 00101, सो दिस इज 00101। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट। तो बताइए जरा इसका क्या होगा वंस कॉम्प्लीमेंट? अगर हमने वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना तो इसका क्या होगा? इनवर्स कीजिए, बिट 1 को स्विच करेंगे आप, 0 आ जाएगा, अगेन दिस इज रिटर्निंग 0, 0 का 1 एंड 1 0, 0 1 एंड 1 0। सो इनवर्स करोगे सो यू कैन इजीली फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी। ऑलराइट, सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर? देखिए टूज के कॉम्प्लीमेंट को हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, किसी बाइनरी नंबर का सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि हमें स्विच करने पड़ेंगे, इनवर्स करने पड़ेंगे वो सारे बिट्स, फिर जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें एक ऐड करना पड़ेगा। दो ही स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल है। कैसे? पहला स्टेप, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो, मीन्स हर बिट को इनवर्स करो। तो कैसे होगा? जो 1 है उनको आप 0 कीजिए, ऑलराइट, और 0 को क्या करेंगे हम? 1 करेंगे, इस 1 का 0, अगेन 0 का 1, 1 का 0 और नेक्स्ट 1 का भी क्या होगा? 0। दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट, मीन्स हमने इनवर्स किए। अब दूसरा जो स्टेप है, हम इसमें 1 बिट ऐड करेंगे इसके लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे। जो राइट वाला बिट है इट इज लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो लेफ्ट वाला बिट होता है वो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो दूसरा स्टेप क्या था, हम एक बिट ऐड करेंगे सिर्फ लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे। ऑलराइट, तो एक ऐड करेंगे, सो 10 मींस 10। बाइनरी एडिशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो कैसे होती है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा मैं, फिलहाल क्योंकि इसमें ज्यादा ऐड करने को तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐड करो। अब देखिए 00110101 कहां पे है, सो 00110101, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी है आपको, अब वंस का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना भी आ गया, टूज का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा, सो व्हाट इज बाइनरी एडिशन आउटपुट ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर, ये दोनों बाइनरीज हैं, ऑलराइट, इनको कैसे ऐड करना है? देखिए बाइनरी एडिशन भी वैसा ही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं जैसे हम डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं, मींस रूटीन नंबर्स को ऐड करते हैं, ऑलराइट, बट इसमें कुछ 3 या 4 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वो ज्यादा रूल नहीं है, सिर्फ ये रूल है कि अगर आप बिट 1 और 0 को ऐड करेंगे इट गिव्स यू 1, या 01 को भी ऐड करेंगे तो भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर आप 00 बिट को ऐड करेंगे इट गिव्स यू 0। नॉर्मल डेसिमल में भी यही होता है, हर एडिशन में यही होता है, बट डिफरेंस कहां पे आता है, अगर आप बिट 1 और बिट 1 को ऐड करोगे इट गिव्स यू 10। इसमें जो ये 1 है ये कैरी ओवर करते हैं हम, एक्चुअली 1 और 1 का जो डेसिमल है वो 2 होता है, 2 का बाइनरी 10 होता है। एडिशन में हम क्या करते हैं, इस 1 को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ऑलराइट, कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं? देखिए एक ये जो नंबर दिया है
ये वाला नंबर, इट इज 1 3 टाइम 0 1 1 3 टाइम 0 1। ऑल राइट, एड क्या करना है हमने, 1 1 1 0 1। ऑल राइट, एड करो, रूल देखिए, 1 और 1 1 1 कितना बताया था मैंने, 1 0, बट 1 कैरी होगा, 1 और 1 1 0, और 1 क्या होगा, कैरी। अब करिए जरा, 1 और 0 क्या होता है, 1 0 मीन्स 1, इसका 1 आया, अगेन 1 0 मीन्स 1, 1 0 1, 1 0 1, 1 और 1 कितना है, 1 0। ऑल राइट, कैरी होता तो कैरी कर लेते, तो दिस इज 1 0 1 1 1 0। एक या दो क्वेश्चन 100% है कि यहां से आपको आएंगे, और कितना इजी है देखिए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, कि ग्रेटर देन ऑपरेटर डिनोट्स, इज इट लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ग्रेटर देन और लेस देन। देखिए ये है आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, बिट वाइज ऑपरेशन में बिट ऑपरेंड को राइट की ओर शिफ्ट करना, कितने शिफ्ट करना वो तो आर्ग्यूमेंट जो होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, बट इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बट एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला ऑपरेटर कौन सा है, दिस इज राइट शिफ्ट, अगर ये वाला ऑपरेटर आया होगा इंस्टेड, सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। और आप क्या प्रैक्टिस कीजिए, आप इस वाले नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट भी कैलकुलेट कीजिए, और राइट और टूज कॉम्प्लीमेंट भी इसी नंबर का कैलकुलेट कीजिए, और इस नंबर और इस वाले नंबर को आप ऐड भी कीजिए। दिस इज योर होमवर्क, आंसर आप पिन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लॉजिकल गेट्स टीच करूंगा, एक या दो क्वेश्चंस लॉजिकल गेट्स पे भी आपके बनते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी अगर एग्जाम या सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है।